वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप भी हेमेस्टर कॉम्बैट माइनिंग के अंदर माइनिंग कर रहे थे तो आपका जो यहाँ पर स्नैपशॉट होना था उसका अपडेट आ चुका है। सक्सेसफुल यहाँ पर आपका स्नैपशॉट हो चुका है और आपका पूरा जो काम है यहाँ पर जो आपने वर्क किया है उसका जो कैलकुलेशन करके इन्होंने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब दोस्तों इनका ये पहला सेशन यहाँ पर था, अब ये कितने सेशन इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर करने वाले हैं तो आगे को ये अपडेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये इन्होंने पहला सेशन बताया है जिसमें आपका स्नैपशॉट यहाँ पर लिया गया है, कितना आपने यहाँ पर वर्क किया, कितना नहीं किया, क्या यहाँ पर आपको रिवार्ड मिलेगा, कितने कार्ड आपने यहाँ पर परचेज किए, कितनी एक्टिविटीज करी। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो विड्रॉल का शेड्यूल है और जो इनका स्नैपशॉट है वो यहाँ पर ये बता रहे कि हमने स्नैपशॉट यहाँ पर सक्सेसफुल टैकिंग यानी कि हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो विड्रॉल है, विड्रॉल ऑफलाइन आपका यहाँ पर 21 सितंबर यानी कि 8 UTC के बाद 8 बजे के बाद आपका यहाँ पर विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा। और आपने अगर पहले एक्सचेंज और वॉलेट को जमा कर दिया था तो आपका विड्रॉल यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखने के लिए आ जाएगा सेशन 1 में इन्होंने आपका जो यहाँ पर सेशन है इसको ओवर बताया और जो आपका यहाँ पर रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपका यहाँ पर आएगा, फिर इस तरह का इंटरफेस आपका यहाँ पर आएगा, जितने भी कार्ड आपने यहाँ पर इसमें परचेज किए वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, कितना आपने कॉइन का कलेक्शन किया और आपके कॉइन का कितना कलेक्शन होने के बाद यहाँ पर आपकी माइनिंग एंड हो गई। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, कितने कार्ड आपने यहाँ पर अपग्रेड किए तो आप यहाँ पर देखेंगे 1264 कार्ड मैं यहाँ पर अपग्रेड कर चुका हूँ। आप कितने करें आप यहाँ पर कमेंट करके बताइए। फिर उसके बाद बेस्ट कार्ड कौन कौन से हैं तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। बेस्ट कार्ड का भी इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन दिया है, किन से आपको यहाँ पर बेनिफिट ज़्यादा होने वाला था, तो वो कार्ड अगर आपने यहाँ पर परचेस नहीं किए तो ये आपकी एक रैंक यहाँ पर कम होने वाली है। ठीक है जी हाँ दोस्तों, आपकी रैंक यहाँ पर कम होने वाली है और हाई चॉइस का इन्होंने यहाँ पर बता दिया। तो अब चलते हैं माइनिंग पे और यहाँ पर आपके जो माइनिंग का इंटरफेस है उसमें क्या क्या इन्होंने चेंजेस किए इसके बारे में समझते हैं। तो इस करा दिया, आप यहाँ पर देखेंगे 3 गेम को इन्होंने आपको यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप 3 गेम को प्ले कर सकते हैं जिनको प्ले करने का आपको यहाँ पर डायमंड मिल रहा है। ठीक है, तीनों गेम यहाँ पर इन्होंने दिए, अगर आप ये गेम प्ले करेंगे तो आपको यहाँ पर डायमंड मिलेगा, आपका माइनिंग यहाँ पर लास्ट हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपकी जो यहाँ पर की वगैरह थी सब इन्होंने यहाँ पर गायब कर रखी है। अब ये स्नैपशॉट यानी कि विड्रॉल के बाद यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपके वॉलेट के अंदर कितना इन्होंने ट्रांजेक्शन किया। जो यहाँ पर बढ़िया बढ़िया कार्ड थे उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया, बेस्ट कार्ड कौन कौन से रहे आपके जिनसे आपको यहाँ पर बड़ा बेनिफिट हुआ तो आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे। ये कार्ड मैं इसीलिए आपको यहाँ पर बोल रहा था कि आप यहाँ पर कार्ड को परचेजिंग करें और इतने कार्ड इन्होंने बेस्ट कार्ड में दिए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा प्ले हेमेस्टर डेली आपने यहाँ पर किया, कितने कार्ड आपने यहाँ पर अपग्रेड किए और कितना कॉइन आपने यहाँ पर क्लेम किया। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो इनके यानी कि गेम है, गेम आपने कितने यहाँ पर खेले और कितने आपने यहाँ पर गेम को प्ले किया उसका भी यहाँ पर इनको अपडेट आपको मिल गया। उसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर यानी कि प्ले नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पर टच करते हैं, टच करने का अब आपको कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, आई बटन पर क्लिक करेंगे, आपका प्रॉफिट है 4 वगैरह यहाँ पर आप इसको स्टार्ट अगर करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर इसको फिर से स्टार्ट कर पाएंगे। अब इनको ये वाला कार्ड तो आपका यहाँ पर फ्री है दोस्तों, ठीक है, ये वाला कार्ड आपका यहाँ पर फ्री है। फिर आप जाएंगे न्यू कार्ड में, न्यू कार्ड में जाएंगे तो आप यहाँ पर फ्री कार्ड जो थे वो यहाँ पर ले लिए। फिर उसके बाद ये कार्ड आप यहाँ पर परचेस करिए और जब ये कार्ड यहाँ पर आप परचेस करेंगे आपका फिर से यहाँ पर माइनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पर लेकर के आ चुके और ये कार्ड आप यहाँ पर इस तरह से इनको परचेजिंग कर पाएंगे दोस्तों। अब फिर से जितने भी आपने रेफर किए थे तो वो रेफर आप यहाँ पर फिर से क्या करेंगे यानी कि फिर से आप उन्हीं रेफर को कंप्लीट करेंगे और उनको रिमाइंडर करेंगे। अगर वो यहाँ पर इनएक्टिव हैं तो दोस्तों उनको आप यहाँ पर क्या करेंगे यानी कि एक्टिव करेंगे। ठीक है, इस तरह का यहाँ पर आपका माइनिंग हो चुका है, फिर से आपको यहाँ पर अपनी माइनिंग को स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, जब आप यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपकी माइनिंग स्टार्ट होगी। अब यहाँ पर आपको मिल रहे हैं डायमंड, डायमंड आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर आप इनकी सोशल मीडिया से कनेक्ट नहीं है तो सबसे पहले इनकी सोशल मीडिया को आप यहाँ पर कनेक्ट करिए और जो इनका यहाँ पर ऑफिशियली चैनल है उनको आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो ये दोबारा से यहाँ पर आपको ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर आपको दोबारा से ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं। अब इससे होगा क्या, जो लोकल अकाउंट है वो यहाँ पर यानी कि
लोकल अकाउंट यहाँ पर आपके क्या होंगे, यानी कि वो वेरीफाइड नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि आप अगर एक ही मोबाइल में यहाँ पर अपने सभी टास्क कंप्लीट कर रहे थे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे इस तरह से, आपको यहाँ पर फिर से इनको वेरीफाइड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर आपको वेरीफाइड करना पड़ेगा। जब इनको यहाँ पर आप वेरीफाई करेंगे तो इनको वेरीफाई करने के बाद आपका यहाँ पर जो यानी कि डायमंड है, डायमंड आपको यहाँ पर मिल रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे किसी का यहाँ पर यानी कि अकाउंट सस्पेंड हो गया तो वो फिर से यहाँ पर ज्वाइन करेगा तो उसको यहाँ पर डायमंड मिलेंगे। जब ये सभी टास्क आप यहाँ पर करेंगे, करने के बाद आपका यहाँ पर जो एड यूट्यूब टास्क है वो भी यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है, तो आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे, यूट्यूब टास्क भी आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद माइंड पर आप यहाँ पर विजिट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये पहला सेशन था जिसमें आपका स्नैपशॉट लिया गया, उसके बाद अब ये दूसरा सेशन है जिसमें आप यहाँ पर दूसरे सेशन में अपनी माइनिंग को स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर आप माइनिंग को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी माइनिंग यहाँ पर हो रही है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो प्रॉफिट HR है वो यहाँ पर कुछ निकल के आया है, ठीक है। आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट HR है वो यहाँ पर निकल के आ चुका है। आपका जो बूस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा तो वो यहाँ पर इन कार्ड को परचेज करने मिलेगा। अब यहां पर आपको माइनिंग पे जाना है, और माइनिंग पे जब आप यहां पर जाएंगे तो ये वाला जो गेम है, ये गेम कुछ ज्यादा यहां पर पसंद किया गया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस गेम को यहां पर क्या करेंगे, यानी कि फिर से यहां पर खेलेंगे। जब आप यहां पर इस गेम को खेलते हैं तो दोस्तों आपको यहां पर डायमंड अब रिसीव होने वाले हैं, ठीक है। डायमंड आपको रिसीव होने वाले, तो आप इसी तरह से यहाँ पर अपनी जो माइनिंग है उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे आपको डायमंड मिल रहा है, पर डायमंड आपको बहुत ही कम वैल्यू में यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अब ये माइन ये वाला जो गेम है कुछ ज़्यादा यहाँ पर पसंद किया गया है, इसलिए इन्होंने इस गेम को यहाँ पर रहने दिया। और इस गेम को यहाँ पर रहने के बाद यहाँ पर अभी भी लोग इस गेम को प्ले कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। अब इन्होंने गेम को पूरा यहाँ पर चेंज कर दिया दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर किसी के हाथ भी कुछ ही लगने वाला है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर ये अपडेट को कर दिया है, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे आपने कितना यहाँ पर प्रोसेस किया था, और आप यहाँ पर कितने एड्रॉप और कितने यहाँ पर आपकी रैंक जो है वो आई है। मैंने तो यहाँ पर आपको पूरा एंड फाइनली जो अपडेट है वो प्रोवाइड किया था, और फिर से एक नया गेम इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया। इंट्रोड्यूस करने के बाद अब इस गेम को आप यहाँ पर प्ले करेंगे, तो ये गेम जब आप यहाँ पर प्ले करेंगे तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डायमंड अब मिल रहे हैं, ठीक है, 0 पॉइंट मिल रहे हैं, और बहुत ही कम वैल्यू से आपको यहाँ पर डायमंड मिल रहे हैं। जिसके पास ज्यादा डायमंड होंगे दूसरे राउंड में उसी को ज्यादा यहाँ पर एड्रॉप दिया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इतनी मेहनत तो पहले हमने यहाँ पर की, इतनी मेहनत हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ से यहाँ पर मेहनत ही मेहनत करवा रहे हैं, रिजल्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। फिर से इन्होंने एक सेक्शन यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, सेशन स्टार्ट कर दिया, तो आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे। ये सेशन में आप यहाँ पर अपनी गेम और अपने लेवल को ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर हेमेस्टर से कुछ बेनिफिट चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर अपने रिवार्ड को क्लेम करेंगे। जब आप यहाँ पर रिवार्ड को क्लेम करेंगे मीनिंग की और आपका यहाँ पर मिनी की के बाद ये वाला गेम और गेम के बाद ये वाले गेम यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं। जब आप इन गेम को प्ले करेंगे तो आपको यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट HR है वो इंक्रीज होगा, प्लस आपको यहाँ पर मिलेंगे डायमंड। डायमंड मिलेंगे तो आपका यहाँ पर माइनिंग दोबारा से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, ये माइनिंग आपका दोबारा स्टार्ट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर इनका और क्या अपडेट आता है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को आपको लाइक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो विड्रॉल का शेड्यूल है वो ये यहाँ पर बता रहा है कि आपका विड्रॉल का शेड्यूल 12 घंटे के बाद यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 8 बजे के बाद यहाँ पर होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर ऑफलाइन आपका विड्रॉल होने वाला है, जो भी एड्रेस आपने यहाँ पर दिया था। क्या विड्रॉल होगा दोस्तों, इसके बारे में तो हमें यहाँ पर पता ही नहीं कि हमारा कॉइन यहाँ पर कितना हमें मिलने वाला है और क्या हमारे पॉइंट यहाँ पर बने, तो अभी ये सस्पेंस यहाँ पर है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट जो अपडेट आएगा तो वो बहुत ही गजब का अपडेट रहेगा। चैनल को